हेलो टू एवरीवन। तो भाई लोग मैं होप करता हूँ आप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और व्लॉग विद जाट की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो भाई लोग आज की वीडियो बहुत ज्यादा अलग होने वाली है क्योंकि आपने मेरी बलेनो की वीडियोस देखे होंगे। मैं उसमें बोलता हूँ ना कि मैंने अपनी बलेनो सीएसडी से उठाई है और मैं अपनी बुलेट भी सीएसडी से ले रहा हूँ। तो भाई बेसिकली क्या है पूरा सीएसडी का प्रोसेस, कौन कौन इन बुलेट या कोई भी व्हीकल को ले सकता है, उन सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। क्या क्या प्राइसिंग है और क्यों प्राइसिंग इतनी कम हो जाती है सीएसडी से अगर हम लेते हैं। तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो शेयर जरूर करना ताकि अगर जिनको ये इन्फॉर्मेशन ना पता हो उनके लिए थोड़ी बहुत काम आ सके। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। हाँ जी भाई लोग, तो आप में से बहुत से लोगों को मालूम होगा कि सीएसडी का पूरा प्रोसेस कैसे होता है, बट अगर जिनको नहीं मालूम है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो भाई लोग अगर देखा जाए तो 2020 तक सीएसडी के जितने भी काम होते थे वो सारे के सारे ऑफलाइन होते थे। पेंडेमिक आया, कोरोना आया, तो 2021 से सीएसडी ने अपने सारे काम ऑनलाइन शिफ्ट कर दिए। तो भाई मैंने अपनी बलेनो उठाई थी ऑफलाइन प्रोसेस पे, मैं अपनी बुलेट उठाऊंगा ऑनलाइन प्रोसेस पे, तो मेरे को दोनों की अच्छी खासी नॉलेज है, तो मैं आज उन सबके बारे में आपको बताने वाला हूँ। भाई बेसिकली अगर देखा जाए तो आज की वीडियो में हम तीन चीजों पे बात करने वाले हैं। सबसे पहली कि कौन कौन सीएसडी से कार और बाइक ले सकता है, दूसरी बात करेंगे कि कितने तक की ले सकता है, और तीसरी हम बात करेंगे कितनी बार ले सकता है। भाई अगर ऐसा तो नहीं है कि अगर 20 साल की नौकरी करी है तो 20 गाड़ियां उठा ली, कभी चाचा के नाम पे, कभी ताऊ के नाम पे, कभी किसी दोस्त के नाम पे, ऐसा नहीं है ना पॉसिबल। तो बस वही उन सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये कि कौन कौन है जो सीएसडी से गाड़ी ले सकता है। तो भाई ऐसा तो है हर कोई नहीं ले सकता, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। तो भाई मेन जो चीज है वो है कैंटीन कार्ड। जिसके पास भी कैंटीन कार्ड होगा वो सीएसडी से इजीली गाड़ी निकाल सकता है। और कैंटीन कार्ड किसके पास होने वाला है वो हम सबको मालूम है, या तो इंडियन आर्मी से हो, या इंडियन एयरफोर्स से हो, या इंडियन नेवी से हो, इन तीनों के पास कैंटीन कार्ड होते हैं और ये अपने नाम से बाइक और कार निकाल सकते हैं। तो भाई ये हो गया हमारा पहला पॉइंट आज के पूरे टॉपिक का। बात कर लेते हैं दूसरी चीज की, तो भाई कितने टाइम बाद गाड़ी निकाली जा सकती है, और बेसिकली कितने टाइम बाद का, इन द सेंस कि आप, मैंने बताया ना कि आप 20 साल में 20 गाड़ियां तो नहीं निकाल सकते हो, तो कुछ टाइम लिमिट होती है, सबकी डिसाइडेड है कि आप इतनी गाड़ियां निकाल सकते हो, इतने टाइम बाद निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं उसके बारे में। हाँ तो भाई लोग अगर आप हो ऑन ड्यूटी ऑफिसर, आपके पास है कैंटीन कार्ड, तो आप हर 8 साल के बाद गाड़ी निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। क्योंकि अगर आप चाहे जेसीओ से हो, चाहे आप ऑफिसर रैंक से, चाहे आप ओआर से, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली, हर 8 साल में आप गाड़ी निकाल सकते हो। बस एक चीज की अगर हम बात करें तो अगर जो ऑफिसर रैंक से होंगे वो 2500 सीसी इंजन पे गाड़ी निकाल सकते हैं, और जो भी होंगे ओआर और जेसीओ से वो 1400 सीसी इंजन की गाड़ी निकाल सकते हैं। पहले भली गाड़ियां निकलती थी ऑफिसर रैंक पे, लेकिन अब सब कुछ बंद कर दिया गया, अब ये दोनों चीजें हैं, आप इन्हीं दोनों पर गाड़ियां निकाल सकते हो। तो भाई मेरी जो बलेनो निकली थी वो 1200 सीसी इंजन है, और वो उसका रीजन यही था कि भाई मेरे जो पापा है वो जेसीओ रैंक से नीचे वाली रैंक पर है, इसलिए। अब एक चीज मैं आपको मेन बताता हूं कि आप रिटायरमेंट के बाद केवल एक गाड़ी निकाल सकते हो, चाहे आप किसी भी रैंक पर हो, आप वो ऑफिसर, चाहे आप हो ओआर पे, चाहे आप हो जेसीओ पे, आप केवल एक गाड़ी निकाल सकते हो। एक जो बेनिफिट की बात मैं आपको बताता हूं, जो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 8 साल के बाद उनका भी है। पहले उनका क्या होता था कि वो 10 साल की उनकी जॉब होती थी, टेम्परेरी होती थी, चाहे वो परमानेंट करना चाहे तो कर सकते हैं, पहले वो 10 साल के बाद एक गाड़ी निकाल सकते थे, बट अब जो है वो 8 साल के बाद एक निकाल लेते हैं, एक रिटायरमेंट होने के बाद निकाल लेते हैं, तो उनके पास भी दो गाड़ी के ऑप्शन हो गए। तो भाई अब हमने बात कर ली है कि कितने टाइम बाद हम गाड़ी निकाल सकते हैं, ज्यादा लूप क्रिएट नहीं करते, केवल से इसी चीज में रखते हैं कि आप 8 साल बाद गाड़ी निकाल सकते हो। बाकी कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से क्लिक करके सारी चीजों को पढ़ सकते हो, कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली। तो भाई लोग मेन पॉइंट जो आता है वो आता है पैसा, कि कितने तक की गाड़ी हम कैंटीन से ले सकते हैं और इतनी प्राइस कम क्यों होती है कैंटीन से। तो सबसे पहले मैं बात बताऊं ना, तो वो सब डिपेंड होता है पे स्केल। अब भाई दो डिफरेंसेस यहां भी आते हैं, यहां आता है एक जो आता है, एक आता है ऑफिसर रैंक का और दूसरा आता है हमारा ओआर एंड जेसीओ का। ऑफिसर रैंक की मैं आपको बताऊं तो भाई ऊपर गाड़ी नहीं जा सकती एक्सक्लूडिंग जीएसटी, ये बात याद रखना। पहले हम किसी भी गाड़ी, कोई भी गाड़ी ले सकते थे, कैसे भी ले सकते थे कि बड़ी प्राइसिंग में आ जाती थी, लेकिन फिक्स कर दिया, एक्सक्लूड कर देंगे उसमें से जीएसटी, उतने तक की आप गाड़ी ले सकते हो, चाहे वो कोई भी गाड़ी है और 2500 सीसी इंजन बता दिया गया। सीधी बात ही है, बाहर से आप कितने की भी लेना चाहे सीएसडी से यही होता है। अब बात कर लेते हैं भाई हम जेसीओ और ओआर की, तो भाई सीधी बात है कि 1400 सीसी का इंजन वो ले सकते हैं और जो उनकी प्राइस होगी वो
एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तो भाई ये हो गया हमारा ऑफिसर्स का, ये हो गया हमारा ORN JCOs का, और बाकी सारी चीजें डिपेंड करती है उनकी पे स्केल लेवल पर। पे स्केल लेवल आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आपको क्लियरली दिख रही होंगी सारी चीजें। बाकी सब मैं आपको बता चुका हूं, कोई भी दिक्कत हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हो और मेरे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो, पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, सारी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। तो भाई लोग आज की वीडियो में जो आपको बताया तो वो केवल एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बता दिया CSD का, कैसे कैसे क्या क्या होता है। बट अगर आप चाहते हो कि कैसे हम बुक करें, कैसे हम अपनी CSD से कार मंगाएं, हमें बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि भाई मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस करी, लिटरली मैं बता रहा हूँ, पेंडेमिक में काफी ज्यादा दिक्कत आई है मुझे। बट मैं ये चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि भाई अगर आपको नई वीडियो चाहिए तो मैं जरूर लेकर आऊंगा, उससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। बस आपको उसके लिए एक छोटा सा काम करना है, हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल आइकॉन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ख्याल रखिए अपना, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।